अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं जुनैद हलीम। एक नजर हेडलाइंस पर। शिमाली वजीरिस्तान और कबायली इलाकों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। बोहरा बरादरी ने कराची की ताहरी जमात खाना में नमाज ईद अदा की। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक और बरतानिया में ईद कल होगी। कामरा एयरबेस हमले की तहकीकाती कमेटी एयर मार्शल अथर हुसैन बुखारी की सरबराही में आज बयानात कलमबंद करेगी। क्या दहशतगर्दों को अंदरूनी मदद हासिल थी, तहकीकात का मरकजी नुक्ता होगा। कराची में दहशतगर्दी की नई लहर, रात गए फायरिंग के वाकयात में 10 अफराद जां बहक। मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। नाके पर रोकने पर खुदकुश बमबार ने धमाका कर दिया। 5 सिक्योरिटी अहलकारों ने जान देकर शहर को तबाही से बचा लिया। बांध की मोन सानिया बाबूसर में मखसूस फिरके के कत्लेआम की मुजम्मत। जाम बहक अफराद के अहले खाना के लिए ताजियती पैगाम। लाहौर के इलाके डिफेंस में कार की टक्कर से एक शख्स जाम बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। हैदराबाद टोल प्लाजे के करीब ट्रक से ऑयल टैंकर टकरा गया। हादसे से ऑयल हाईवे पर फैल गया। और उर्दू शायरी को नई जहत देने वाले अजीम नगमा निगार और हिदायतकार गुलजार की आज 77वीं सालगिरह है।